हम सभी आयोजक संयोजक सभी की ओर से यहाँ पर पधारे हुए सभी भक्तजनों का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने सबसे। तो यहाँ पे ना बहुत बहुत भीड़ थी, जिससे कि मैंने जो ये रिकॉर्ड किया ना वो सुनाई नहीं दे रहा था और बहुत घिच पिच हो रहा था। तो यहाँ पे बाबा जी पहुँच गए थे श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पे पहुँच गए थे और उनका बहुत भव्य तरीके से स्वागत हुआ और सारे लोग इतने बेसब्री से ना उनको देखने के लिए सबकी आंखें तरस गई थी। और यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो सबको मतलब आशीर्वाद दे रहे थे और मैंने पीछे बहुत बहुत अब क्या बोलूँ मैं अपनी फीलिंग ना आप लोगों के साथ बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पर वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि बहुत हल्ला हो रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या है। आगे तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में ही दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनी थी। और जो यहाँ पर जिनसे हाथ मिला रहे हैं ये हमारे बद्रीनाथ के पुजारी हैं जिनसे ये हाथ मिला रहे हैं और यहाँ पर सब अपनी अपनी ओर से उनको सम्मान स्वरूप वस्त्र भेंट कर रहे हैं या उपहार भेंट कर रहे हैं। तो हमारे उत्तराखंड देव भूमि की इस पावन धरती पे श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए हैं, बागेश्वर धाम जी आए हैं जो सनातन का परचम लहराने आए हैं। तो जय श्री बागेश्वर धाम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। तो चलो चलते हैं आगे की वीडियो को देखते हैं और आप लोग भी ना मन ही मन में बागेश्वर एक बार इनको ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दो। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो जय सियाराम। साधु जी ओ पागलो, सीताराम कैसे हो, ठीक हो, जल्दी तो नहीं है, ठंडी तो नहीं लग रही, विचार करो मन ही मन में, हीटर चल रहा ये तो विनोद की बात है लेकिन अब हम दरबार की थोड़ा आगे चल रही हो कि नहीं, लेट तो हो गए हम मानते हैं लेकिन पुनः सभी संतों के चरणों में प्रणाम और हाँ जय सियाराम। नरक में भेज के मानोगे क्या? बालाजी की जय बोलो। आवश्यकता नहीं है हमारे भी तुम्हें चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास अगर संकट है तो अपने हनुमान जी संकट मोचन है। कौन है बोलो बोलो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। काल की त्रास कपी से बसे गरी जात महाप्रभु पंत निहारो चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचारो विचारो कह दुज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निहारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। कौन सु संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं। आज जितने लोग बैठे दरबार की अर्जी तो लगेगी, पर्चा के लिए जिनकी प्रेरणा लगेगी उनको बुलाया जाएगा वरना सामूहिक अर्जी सबकी लगाई जाएगी। और हम यही इस बार तो हमें कम समय मिला, हम निवट्टी जी से और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी चर्चा कर रहे थे, वो भी विराजमान है। बहुत जल्दी अब हम देहरादून में आपकी श्रद्धा देखकर 5 दिन की कथा करेंगे और उस 5 दिन की कथा को करने का केवल एक उद्देश्य होगा, एक ध्येय होगा कि अब हर घर से एक एक बच्चा सनातन के लिए कफन बांध करके निकलेगा। इसका मतलब किसी को मारना नहीं है, किसी को काटना नहीं है, न किसी भी प्रकार की हिंसा करनी है। हम सनातनी लोग हैं, पूरे विश्व में अगर शांति चाहिए तो सनातन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मेरे पागलो हम तुमसे सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहते हैं। लोग हमसे पूछते हैं आप दरबार क्यों लगाते हैं, चमत्कार क्यों दिखाते हैं? हमने कहा आज तक इस देश में तथाकथित हलीउल्लाह वालों ने भूख लगाकर भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया है और आज तक इस छोटे मोटे कस्बों में गांव में जा जा करके भोले भाले हिंदुओं को बरगलाया है। लेकिन मेरे भारत के लोगों हम तुम्हें बस यही बताना चाहते कि अपना सनातन भी किसी से कम नहीं है, दुनिया की कोई भी शक्ति हनुमान जी के सामने टिक नहीं सकती है।
श्रेया पर धर्म भया बहा। अपने धर्म में मरना श्रेयस करे। बात बताओ, किसी का ओ पॉजिटिव खून हो, उसे खून की जरूरत पड़े तो क्या दूसरा खून उसके बॉडी में जा सकता है? बताइए, ओ पॉजिटिव के अलावा कोई दूसरे ग्रुप का खून मिले, ओ पॉजिटिव ना मिले, क्या चढ़ाया जा सकता? जवाब दीजिए। अरे जोर से बोलिए, जब शरीर में दूसरे ग्रुप का खून नहीं डाल सकते, उसको ये बॉडी नहीं झेल सकती, तो हम दूसरे मजहब को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हम दूसरे मजहब में हम किसी के विरोधी नहीं है, और यहाँ के हमारे धामी जी भी, ये हमारे भाई जैसे, ये भी किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन अपने धर्म के कट्टर है। होना चाहिए जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं, जो अपने सनातन का नहीं वो किसी का नहीं। हमारी गंगा मैया को छलनी छलनी किया जाता था, अवैध उत्खनन कर करके, और वो बड़े आदमी बन करके, अमीर बन करके हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, जगह जगह हिंदुओं के स्थानों पर, सनातनियों के स्थानों पर चादर डालते थे। लेकिन अब चादर फादर निकट न आवे, बागेश्वर बालाजी जब नाम सुने। अब सावधान, खबरदार, ये देश बाबर का नहीं है, रघुवर का है। और लोग हमसे कहते हैं, आप बोलते हैं तो आग लग जाती है, लगती हो आग तो लगने दो, आग वहीं लगेगी जहां रावण होगा, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ की आग अगर लंका को जलाती है तो विभीषण का घर भी तो बचाती है। तो लंका में हनुमान जी ने पूंछ से आग लगाई तो कौन जला? जो रावण के खानदान थे उनके घर जले। जला, बोलिए, नहीं जला? एक विभीषण कर ग्रह नहीं, एक विभीषण का घर नहीं जला मेरे पागलो। वही हम भारत में कहना चाहते, ये सभी संत इसी प्रकार अगर एक मंच पर रहेंगे, इस प्रकार के जननायक, जनसेवादायक, जनसेवा करने वाले लोग आज करते रहे। लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं, हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन हमें जो हनुमान जी की चूरन चटनी है, हम तुम्हें ये कह सकते, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मंत्रों में जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या मेरे पागलो, आज से, अभी से, सदा सदा के लिए बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर अपने आप को छोड़ दो। अगर आप अपने आप को छोड़ दोगे, हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं, लौट कर मुड़ कर तुम्हें कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे, मेरे पागलो। पर्चा तो बहाना है, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा से अगर चमत्कार होना होता तो जो पर्चा छापने की मशीन जिसके घर पर है वो चमत्कार बाहर नहीं आने देता। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको राम का बनाना है। और अगर तुम हनुमान जी की शरण में आ जाओगे, नाश रोग जपत निरंतर हनुमत वीरा, कोई भी रोग हो, संकट हो, कलयुग में केवल और केवल वीर बजरंग बली है कैसे देवता, ऐसे समझो। कलयुग के राजा हनुमान जी कैसे, जैसे उत्तराखंड में दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर के कोई ऑर्डर लागू करे तो क्या लागू होगा? बोलिए बोलिए, यहाँ किसकी चलेगी? धामी जी की। हाँ जी या ना जी, बोला। अच्छा, मुख्यमंत्री तो कहलाएगा दूसरे प्रदेश का, पर चलेगी नहीं। हाँ जी या ना जी, उसी प्रकार हनुमान जी हैं कलयुग के राजा, बाकी सब देवता तो हैं, पूज्य भी हैं, लेकिन कलयुग के राजा हमारे वीर बजरंग बली है। उसी प्रकार जो हनुमान जी की शरण में आएगा उसी की चलेगी, और हनुमान जी की कृपा से ही चलेगी। बोलो जय सिया राम। इसलिए हनुमान चालीसा ने कहा, चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है, वीर बजरंग बली जैसा कोई देवता नहीं है। और एक बात और मेरे पागलो, हनुमान जी को मानने वाले लोगों, हम आपको वचन देकर के कहते हैं, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, राम जी चलकर तुम्हारे पास आएंगे। सुग्रीव जी महाराज, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना,
विभीषण जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज, आहा, इन्होंने हनुमान जी की बात को माना तो क्या हुआ? अरे सुग्रीव जी को राम जी के पास नहीं जाना पड़ा। जो हनुमान जी से मित्रता करता है या हनुमान जी को गुरु मानता है, हनुमान जी अपने कंधों पर बैठा करके राम जी को उसके पास ले आते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए किसकी शरण में जाना है? जोर से बोलो। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी के चरणों में जुड़ना चाहता? कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र होने देखना चाहता है? कौन कौन सनातन की एकता चाहता है? कौन कौन उत्तराखंड में अपने अपने घर के ऊपर झंडा लगाएगा? कौन कौन धर्म विरोधियों की ठटरी मारेगा? कौन कौन लव जिहाद वाले चक्कर में पड़ाने वालों की ठटरी मारेगा? हाथ उठाओ। पक्का? देखो सोच करके वचन देना। पक्का? हनुमान जी को देखकर वचन देना। पक्का? अगर कोई धर्म का विरोध करेगा तो कौन कौन घर से बाहर निकलेगा? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन कौन बाहर निकलेगा? अगर कोई गंगा माता के ऊपर अत्याचार करेगा, अवैध उत्खनन करेगा तो कौन कौन ठटनी मारेगा? हमारी बहन बेटियां भी गंगा जल से पवित्र लव जिहाद के चक्कर में अगर कोई पाड़ेगा तो कौन कौन ठटनी मारेगा? कहो दोनों मुट्ठी बांध कर, हम आज हनुमान जी को साक्षी मानकर वचन देते हैं जीवन भर सनातन धर्म के अंतर्गत जिएंगे और सनातनीय हिंदुओं में एकता रखेंगे। जो भी हमारे धर्म के खिलाफ उंगली उठाएगा उसकी ठठरी बार देंगे। हम आज प्रण लेते हैं, आज हम हनुमान जी की कसम खाते हैं, आज हम हनुमान जी की सौगंध खाते हैं। पक्का? 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 जाओ, हम भी वचन देते हैं। हम भगवान जो भी गुरु जी की चूरन चटनी है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सियाराम। अच्छा, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? बहुत हो गया, हमने बहुत धक्के खा लिए, बहुत जगह भटक नहीं जाना। आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए हैं। ये तीन शर्तें मान लो, तुम्हें हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारे चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। और जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे, वो भी जय बागेश्वर धाम ठटरी भरे। बोलो बोलो, हमने एक दो अंग्रेज के खोले पर्चा, एक अंग्रेज बोलू वेरी पावर। हमने उसको कहा महाराज जी आई एम नॉट पावरफुल, पालन करोगे और कर्म करोगे तो तुम्हारा काम सफल होगा होगा होगा, इसमें किंचित मात्र भी। बोलो सीताराम। अच्छा दूसरी बात और हम कहते हैं हर मंच से, पेंट गीला करके ना हम भेजे तो हमारा नाम नहीं, हम इतना बताएंगे दिखा पाओ। और इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई जी की वो पीछे वाली टीम है, एक पूजा नाम की बहन जी विराजमान है, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, आप आ जाए कपड़ा पहने हुए। जी आ जाओ बहन, जी 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 आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है।